हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई। यही हाल भारत के पड़ोसी मुल्कों का भी है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान जैसा खूंखार पड़ोसी भारत के बगल में है, तो वहीं दूसरी तरफ भूटान जैसा देश, जो कि बेहद खूबसूरत और शांतिप्रिय देश है, वो भी भारत के बगल में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों एक बार आपको भूटान जरूर जाना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो भी एक बार भूटान घूम के आता है वो हर छुट्टी में वहीं जाना चाहता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भूटान उनका दूसरा घर है। भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है, यहाँ का खाना सभी को क्यों इतना पसंद आता है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग इतने दिलदार कैसे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, रोजमर्रा के तूफान में एक बार तो आइए भूटान में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भूटान यकीनन बहुत छोटा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 9 लाख ही है, लेकिन ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। भूटान के एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान और साथ में तिब्बत। हिमालय की गोद में बसे हुए भूटान की राजधानी थिम्फू है, जबकि इसका फाइनेंशियल कैपिटल है फुनशोलिंग। यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं, तो बाकी 24% हिंदू। दोस्तों, भूटान के किसी निवासी के साथ अगर आपकी मुलाकात हुई है और उनकी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि यहाँ के निवासी झोंखा भाषा में बात करते हैं। भूटान दुनिया भर में एक अद्भुत देश के तौर पर प्रसिद्ध है, पर क्यों, इसका रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्या कभी आपने किसी ट्रैफिक पुलिस को अपने पारंपरिक नृत्य के द्वारा चलती ट्रैफिक को गाइड करते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि भूटान की राजधानी थिम्फू में कोई ट्रैफिक लाइट लगाई ही नहीं गई है। इसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक बहुत स्मूथली चलता है। जब लोग ही इतने समझदार होंगे तो क्या जरूरत है ट्रैफिक लाइट की। पता नहीं ये दिन हिंदुस्तान में कब देखने को मिला। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भूटान हिमालय की गोद में बसा है, यहाँ चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। लेकिन जब आप भूटान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर कितना दमदार है। पहाड़ियों के बीच में आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। यहाँ के होटल्स भी कमाल के हैं, पहाड़ों पर तैयार किए गए होटल्स बहुत खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भूटान में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़ा यहाँ का कल्चर नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर किस्म के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोकल लोग डांस परफॉर्मेंसेस देते हैं तो सभी टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके कलरफुल कपड़े, सर पर एक अलग किस्म की पगड़ी, यहाँ का चाम डांस काफी लोकप्रिय है। दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये स्थानीय लोग न सिर्फ किसी त्योहार में डांस परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि टूरिस्टों के लिए भी ये मनोरंजन का साधन बनते हैं। यही लोग तो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं भूटान में। भूटान के बारे में एक अजीब बात यह है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है, और यहाँ पे लड़का हो या लड़की एक से अधिक शादियां कर सकता है। सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यह देश सैलानियों को कई रहस्यमयी चीजों से रूबरू कराता है। अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हो तो एक अच्छी बात यह है कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, परमिट लेना जरूर पड़ता है। इसकी एक वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई अलग सेना नहीं है, इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। दोस्तों, चलिए अब आपको दिखाते हैं भूटान की वो सारी जगहें जहां जाकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। नंबर 1, चेलेला पास। ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है जहां आप गाड़ियों की मदद से पहुंच सकते हैं। इसकी ऊंचाई 3,810 मीटर है। यहाँ जब आप पहुंचते हैं मानो ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में ही आ गए हैं। शानदार नजारों के साथ ये बहुत खूबसूरत नजर आता है। बर्फ से ढकी चोटियां, आसपास छोटे छोटे घर, हरी भरी वादियां, सैलानियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। जब भी कोई भूटान जाता है वो इस जगह को नहीं मिस करता। यहाँ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसके आसपास ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, आप जहाँ चाहें वहां रुक सकते हैं। यहाँ से सनराइज का नजारा भी बहुत ही अच्छा नजर आता है। तो दोस्तों, आप जब भी भूटान जाएं यहाँ तो जरूर ही एक बार विजिट कर लें। नंबर 2, टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कई सौ साल पुरानी इस मोनेस्ट्री का निर्माण 1692 में हुआ था। कहते हैं गुरु पद्म संभवा यहाँ 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटों तक ध्यान में लीन थे। जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ आकर लोग घंटों तक ध्यान करते हैं।
पहाड़ों के बीच बना हुआ ये मॉनेस्ट्री दिखने में बहुत खूबसूरत है। हालांकि पहाड़ों के बीच से निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बौद्धिक शिक्षा दी जाती है, उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शाए गए मार्ग पर चलने की जानकारी दी जाती है। नंबर 3, गैंगस्टर डंगसे लखांग मंदिर। दोस्तों, गैंगस्टर डंगसे लखांग मंदिर को दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे सन 1421 में सेंट थैंगटोंग गैल्पो ने बनवाया था। इस मंदिर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बौद्ध स्टाइल से तैयार किया गया यह मंदिर यकीनन बहुत अट्रैक्टिव है। यह मंदिर बाहर से जितना कलरफुल दिखता है, अंदर से ये उतना ही खूबसूरत है। अगर आप भी भूटान जाते हैं तो ये जगह आपके विशलिस्ट में यकीनन होनी चाहिए। नंबर 4, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध के डोडेनमा की प्रतिमा थिम्पू में स्थित है, जो विश्व में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई करीब 169 फीट यानी कि 52 मीटर है। मुख्य रूप से यहाँ पर हजारों बौद्ध भक्त एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज अनूठे हैं तथा अभी भी अपने जागृत रूप में हैं। यहाँ जो सैलानी पहुंचते हैं वो भी घंटों तक भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ध्यान करते हैं। नंबर 5, पारो विकांद मार्केट। दोस्तों, एक बात तो तय है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, चाहे आप कितनी भी जगह क्यों ना घूम लें, लेकिन जब तक आप उस जगह से कुछ सामान खरीद कर नहीं लाते, आपकी यादें अधूरी रह जाती हैं, है कि नहीं दोस्तों? ऐसा हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो अगर आप भूटान जाते हैं और आपको करनी है बहुत सारी शॉपिंग, तो आप जा सकते हैं पारो विकांद मार्केट। यहाँ आपको भूटानी परंपरा के लिहाज से सभी चीजें मिल जाएंगी। आप यकीनन इस मार्केट को बहुत एंजॉय करने वाले हो। भूटानी कपड़ों से लेकर वहां के प्रसिद्ध भूटानी गुलदस्ते भी आपको बहुत कम दाम में यहाँ मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि भूटान में गर्म कपड़े बहुत मिलते हैं और उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। तो अगर आपको चाहिए कम दाम में जबरदस्त चीजें, तो आप कर सकते हैं पारो मार्केट में बिंदास शॉपिंग। नंबर 7, जूरीजोंग फोर्ट। ये घाटी भूटान की सबसे प्यारी और छोटी सी जगह है। इस जगह आपको अपने पार्टनर के साथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ 5 मंजिल का ऊंचा नुकीला ढांचा है, जिसे पुराने समय में बनाया गया था और आज भी 2 दीवारों और 1 पुल द्वारा वो सुरक्षित खड़ा है। जूरीजोंग फोर्ट भूटान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है। फोर्ट के अंदर ही कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ भूटानी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप भूटान की यात्रा पे जाएं, तो जूरीजोंग फोर्ट जाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 8, भूटान में करें ट्रैकिंग। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो भूटान आपके लिए परफेक्ट है। भूटान में ट्रैकिंग का अपना ही मजा है। यहाँ हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग का मजा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। वहीं अगर मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए आपको अक्टूबर के महीने में वहां जाना चाहिए। वैसे भूटान में भारत से बहुत सारे यंगस्टर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग करने के लिए ही जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहां पे रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए किसी छुट्टी वाले डेस्टिनेशन में। चलिए अब जानते हैं भूटान के खान पान के बारे में। भूटान की एक और चीज जो टूरिज्म को खास बनाती है, वो है यहाँ का खान पान। तीखे मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल यहाँ की ज्यादातर डिशेज में किया जाता है। वैसे तो यहाँ खाने पीने के तमाम विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी डिशेज जिन्हें आप यहाँ आकर जरूर ट्राई करें। होइंटे। मोमोज सिर्फ इंडिया का ही नहीं, भूटान, नेपाल जैसे देशों का भी पसंदीदा डिश है। इसे यहाँ होइंटे के नाम से जाना जाता है। ये मोमोज मैदे से नहीं बल्कि कुट्टू के आटे से तैयार किए जाते हैं। नॉनवेज मोमोज में जहाँ मीट की फीलिंग होती है, वहीं वेज मोमोज में पालक, सोयाबीन और चीज के। इसे आप सीम्ड और फ्राइड दोनों ही तरीकों से खा सकते हैं। यहाँ भी इसे चिली सॉस के साथ ही सर्व किया जाता है। इमादत्शी। दोस्तों, ये भूटान की नेशनल डिश है। वाह वही वाह, इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। इसका स्वाद आपको यहाँ हर एक जगह चखने को मिल जाएगा। आलू, ग्रीन बीन्स, मशरूम और मक्खन से बनने वाले इस डिश को यहाँ दत्शी कहा जाता है और तीखे मिर्च के साथ मिक्स करके इसे बनाया जाता है। इसे आप वैसे भी खा सकते हैं या अगर चाहें तो चावल में मिक्स करके खा सकते हैं। खुरले। अगर आप भूटान में हैं तो यहाँ के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में आपको ये डिश जरूर दिखाई देगी। ये भूटानी पैनकेक है, जिसे गेहूं नहीं बल्कि कुट्टू के आटे से तैयार किया जाता है। स्पॉन्जी टेक्सचर और टेस्टी फिलिंग इसे बनाते हैं और भी ज्यादा मजेदार। टूरिस्ट इस पैनकेक को बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप? कर लीजिए अपना बैग पैक, हो जाइए तैयार और निकल जाइए भूटान के लिए। वैसे भी ये हिंदुस्तान के करीब ही है। यहाँ के लोगों की भाषा, यहाँ की परंपरा, खान पान सब निराला है। आप एक बार भूटान जाएंगे तो आपको बार बार वहां जाने का मन करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।